अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सेनेटर आज़म सवाती के ख़िलाफ़ सूबे में दर्ज तमाम FIRs ख़त्म करने का हुक्म दिया है। इससे कबल अदालत ने आज़म सवाती के ख़िलाफ़ सूबे में मज़ीद मुकदमा दर्ज ना करने का भी हुक्म जारी किया था। दूसरी जानब अदालत उज़्मा के हुक्म पर हुकूमत ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीक़ात के सिलसिले में नई GIT तश्कील दे दी है, जिसे 2 हफ्तों में इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश करनी है। फिर वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और उनकी जानब से सरेंडर होने तक गिरफ्तार ना किए जाने की सदा अदालत ने मंजूर ली है। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। ओरिसा बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सेनेटर आज़म सवाती के खिलाफ सूबे में दर्ज तमाम FIRs खत्म करने का ऑर्डर दे दिया है। इस पेशरफ्त के बाद क्या PTI के इस केस के हवाले से खदशात दूर हो सकेंगे? देखिए, पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना जी, ये काफी अरसे से अंडर क्वेश्चन आ रहा है और खास तौर पर गुज़श्ता 8-9 माह से तो इसके ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आज़म सवाती से पहले शहबाज़ गिल और फिर आज़म सवाती यहाँ, फिर उसके बाद एक दो और केस और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि पाकिस्तान में अचानक एक नाई की दुकान पर बैठा हुआ शख्स जो है उसका अचानक ज़मीर चाकता है और वो जाके एक ख़बर सुनता है, ख़बर के बाद वो जाके केस FIR दर्ज करा देता है। असल में बलूचिस्तान का मसला यह है कि बलूचिस्तान के अंदर ऐसे लोग जो हैं बड़े आइडेंटिफाइएबल हैं। आप हैरान होंगे कि चूँकि मैंने 24 साल वहाँ गुजारे हैं तो मैं उन सारों को जानता था और मुझे ये भी अंदाज़ा था कि ये किसने उनको कहा होगा कि जाओ जाके उसके खिलाफ FIR दर्ज कराओ, क्योंकि उन बेचारों को तो क्या पता सवाती कहाँ खड़ा है और क्या चीज़ है। तो एक पूरे का पूरा सिस्टम पाकिस्तान का जो है बड़ा खौफनाक तरीके से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बड़ा क्वेश्चनेबल हो चुका है। जिस रिपोर्ट की बहुत बड़ी तारीफ की जा रही है, तकरीबन 600 सफ़े की जिस रिपोर्ट आई है फैक्ट फाइंडिंग मिशन के अरशद शरीफ वाले केस की, उस केस के अंदर 16 FIR दर्ज हुई हैं। आप अंदाजा करें अरशद शरीफ के पास कोई, वो यहाँ से भागना चाहता है, ठीक, और इस डर से भागना चाहता है, उसने उसकी बुनियादी वजह यह थी कि उसको FIR दर्ज, यहाँ से यहाँ घुमाएंगे यहाँ घुमाएंगे। इतनी बड़ी हाई पावर कमेटी सिर्फ 2 लोगों को इंटरव्यू कर सकी है, 14 लोगों को बुलाया भी नहीं, और वो 2 वो थे जो पुलिस के मुलाजिम थे, जो कि हर बात है उन बेचार उनको और उन्होंने बता भी दिया कि हमने किसके कहने के ऊपर FIR दर्ज की। इसका मतलब यह है कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने एक सिस्टम रखा हुआ है कि जैसे अंग्रेज ने रखा होता था जज़ायरे अंडमान में, उसको काला पानी कहते थे, अच्छा, कि उठाओ बंदे को वहाँ भेज दो, माल्टा में जाके भेज दो, ना उनको को खाना मिल दे, ना उनको रोटी दे, ना उनको को रिश्तेदार मिलने को आए, वहाँ पड़े रहे। अब आपने बलूचिस्तान को ढूंढ लिया हुआ है, अब नहीं ढूंढा हुआ, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पहला शख्स था जो कोलू जेल के अंदर रहा है, मैंने कोलू जेल देखी हुई है। आप ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने भेजा था चौधरी ज़ोरलाई को कोलू जेल के, भुट्टो साहब ने इसको आगाज किया था। फिर उस जमाने में एक दलाई कैंप होता था आज़ाद कश्मीर के एक दूर दराज इलाके के अंदर, वहाँ पर इफ्तिखार तारी वगैरह जो थे, जो गुलाम अस्वा खर के जो अपना साथी थे जो भुट्टो से नाराज़ हो गए तो उनको भेजा था। असल मसला यह है कि हमारी ज़हनियतें तब्दील नहीं हो रही और इस सारे मामले, अब हाई कोर्ट का जो डिसीजन है बड़ा शानदार डिसीजन, उन्होंने कहा क्वैश बेसलेस, क्या आप कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि बलूचिस्तान के जो जज हैं जी, उनको पता है कि ये कहाँ से आ रहा है, ये तारें कहाँ से हिल रही हैं, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन का ऑर्डर कर दिया। ये नहीं कहा कि FIR रहेगी, हम बेल रजिस्टर्ड करते हैं, हम ये करते हैं, उठा के परे मारी उनके FIR। पाकिस्तान में हम आज से, जब से लाली साहब और मैं इकट्ठे शो कर रहे हैं, हम रोज़ रोज़ चीखते हैं कि भाई खुदा के लिए पाकिस्तान में कम से कम सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास करे कि अगर एक मुल्क थाने में FIR हो जाती है तो फिर पाकिस्तान के किसी थाने में FIR नहीं होनी चाहिए। और ये जो हमने वतीरा पकड़ लिया हुआ है कि तुमने ऐसे बोला, तुमने ऐसे बयान दिया, तुमने ऐसे ट्वीट किया, इसलिए तुम काबिल दस्तंदाजी पुलिस हो, चलो अंदर। यानी आप सोचें कि जिस मुल्क की नज़ाकत का आलम यह हो कि एक ट्वीट जो है वो बगावत की पूरी लहर दौड़ा सके, उस मुल्क में अगर 4-5 ट्वीट या 10-15 ट्वीट या 15-16 लोग इकट्ठे ट्वीट करना शुरू हो गए तो उस मुल्क का तो अल्लाह हाफिज़ है। तो ये जो हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा जो है ये बहुत अंडर क्वेश्चन, सच्ची बात है, बहुत तकलीफ से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी लाली साहब वक्त से पहले मैं उनसे कहूँगा बात करें, मैं आपस में जब बात कर रहा था तो कह रहे थे कि पाकिस्तान की जगह कोई और मुल्क होता जिसके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला हुआ होता कातलाना और 200 कैमरे मौजूद होते
40-50 साफी मौजूद होते, DSNGs जो है कम से कम 20 के करीब मौजूद होती, और कोई ढूंढने की भी कोशिश नहीं करता कि फायर कहां से आया। और आप अपने टीवी चैनल उठा रहे, घड़ी जा रही है, घड़ी आ रही है, तोशाखाना है, फलाने है, बात करेंगे हम ये इसको, इसको इससे माफी मांग ली, इसने नहीं मांग ली, इसने असेंबलियां टूट रही है, नहीं टूट रही है। यार आप किस मुल्क में रह रहे हो? इसका मतलब यह है कि आजकल को कोई शख्स भी इस मुल्क के अंदर अगर एक पीसफुल प्रोसेशन लेके जाता है और वो अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है दूसरे को तो आप मार देंगे, दूसरे को आप कुचल के रख देंगे। बिल्कुल। हिलाली साहब, बलूचिस्तान हाईकोर्ट के इस डिसीजन को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए भाई, मैं क्या कहूं, शर्म आता है। एक ऑर्डर है, एक केस है, जस्टिस खोसा का एक केस है 2018 का, जिधर उन्होंने कहा है कि एक केस एक FIR, नो मोर। और बल्कि उस FIR को फाइल करने के पहले पुलिस वालों का जिम्मेवारी यह है कि वो पता करें कि ये केस पे जो फाइल करने वाले हैं वो एक ही केस, एक ही FIR है। मगर इधर जलील और ख्वार करने के लिए आप 16 FIRs फाइल कर रहे हैं ऑन द सेम थिंग। मुझे बेनजीर भुट्टो ने एक दफे कहा था, कहने लगी है मुझे कोई परवाह नहीं है कि क्या क्राइम मेरे खिलाफ ये लगाते हैं, मैं तुम्हें यह कहना चाहती हूं कि मंडे को मेरा केस अपियरेंस होता है लाहौर में, ट्यूसडे को होता है कराची में, वेंसडे को होता है क्वेटा में, और थर्सडे को होता है पिशावर में। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? आप क्या कर रहे हैं कानून के साथ? ये SHO, DSP, SP, इनकी तो जिम्मेवारी होनी चाहिए। और मैं अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और उन्होंने कहा है सबको बताओ, तो अगर ये वायलेट हो रहा है उनको तो आप उनको पनिश करना चाहिए, नहीं कि एक आदमी को एक पकड़ा। दूसरी बात, और इन्होंने बिल्कुल सही कहा औरिया साहब ने, ये जो फाइलें हुई हैं फैमिली का तो रिपोर्ट नहीं फाइल कर, भाई FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपको उनसे आ रही है जो क्लोजेस्ट टू दी विक्टिम, नजदीक से नजदीक, मां से ज्यादा नजदीक क्या हो सकता है? उसका तो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एन FIR अगर आप जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन, हु नोज बेस्ट, उसका अगर आप इंफॉर्मेशन आप नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट। एक ऐसे जो एक थानेदार का, पर व्हिच थानेदार, उसका क्या कनेक्शन है? ये दूसरी बात मैं आपको। और तीसरी बात ये है कि एक एब्सकॉन्डर जो भाग गया, जिसको खत लिखे गए, जिसको कहा वापस आओ, उसने जवाब ही नहीं दिया, 11 तारीख को पहुंच रहा है इन हिज, आ रहा है वापस 11 तारीख को ऑन द अश्योरेंस के ना तुम मुझे पकड़ोगे और दो दिन के बाद मुझे बेल मिलेगा। ये कोई जस्टिस सिस्टम होता है? और फिर 10 मिनट के अंदर अंदर आप एक आदमी से कन्फेशन ले लेते हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर वो लीडर ऑफ द इमरान खान पे गोली चलाई है, 10 मिनट के अंदर आप ले लेते हैं, क्यों भाई? सबको पता है आप कैसे कन्फेशंस निकालते हैं। पंजाब पुलिस दुनिया मशहूर है इस बात पे। तो लोग कहते हैं भाई ये टॉर्चर, आप देखते होंगे जो भी आता है कहता है जी मैं ये मान गया इसलिए वो मार रहे थे मुझे, मगर मैंने ये कुछ नहीं किया। व्हाट इज द पॉइंट? मार मार के आप झूठ निकालते हैं। देखिए, इसलिए मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये सिस्टम शर्माती है इसके बारे में बात करना। और 75 साल चल गया है कोई नहीं कुछ किया, व्हाट काइंड ऑफ अ पीपल आर वी? बिल्कुल, बड़ी तश्वीशनाक सूरत हाल है। और ये सब क्रिमिनल जस्टिस के सिस्टम पे बात करी ना, तो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए नए GIT की तश्कील दे दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में इब्तदाई पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब की है। तो क्या अब उम्मीद की जा सकती है कि तहकीकात का अमल तेजी से आगे बढ़ेगा और नतीजा खेज भी साबित होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि GIT किस बुनियाद पर, क्या आप कीनिया तक जाके एक्सेस रखते हैं? देखिए, पुराने फैक्ट फाइंडिंग मिशन के रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं,
मतलब उन्होंने ये कहा है कि ये ज़बरदस्ती वहाँ से दुबई से निकाला गया, वहाँ उसका 20 दिन का वीज़ा रहता था, ये पता करना चाहिए किसने निकाला, क्या आप दुबई गवर्नमेंट को, ये तो आपको क्रॉस कंट्री एक ज़बरदस्त किस्म की एक कोई इंटरनेशनल जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस या कोई भी फोरम जो अवेलेबल फोरम है उससे आप बात करें, स्कॉटलैंड यार्ड को बुला सकते हैं, बाकी लोगों को बुला सकते हैं, क्यों नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन नहीं ना, मसला ज़्यादा यह है कि वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलों से मट्टी झाड़ना वाली बात है, यदि शलजम के ऊपर से मट्टी झाड़ते हैं बड़ी आसानी से झड़ जाती है, वही वाली कैफियत है, वो गोल गोल सा वो शलजम निकल आता है। असल मसला ये है कि उस रिपोर्ट की भी अगर उस पर देखा जाए तो उन्होंने बता दिया है बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि एक प्लान मर्डर था, प्लान था तो किसने किया। ठीक, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 2-3 बयान पिछले दिनों सुन रहा था, इमरान खान साहब ने एक FIR दर्ज, अब सबक वजीर आजम FIR दर्ज कराना चाहता है, परवेज लाई साहब वजीर आला है, ठीक, परवेज लाई साहब के जेरे नगी एक चीफ सेक्रेटरी है, फिर एक IG है, फिर एक CCPO है, फिर उसके बाद DIG है, फिर DIG के बाद SP है, SP के बाद DSP है, DSP के बाद एक SHO है, जिसने SHO जिसने वो काटनी है, वो SHO एक बड़ा छोटी सी चीज़ है, वो कहते हैं जी वो नहीं काट रहा, और फिर PTI के लोगों की मीटिंग बुलाई जाती है, और फिर बड़े फख्र से कहते हैं कि अपना मोनस लाई साहब कि हमने उनको कहा अपना SHO दे दो, तुम्हारा जो SHO FIR कर इनकार करता है उसको नौकरी से क्यों निकाला तुम लोगों ने, वो नौकरी से निकालो FIR दर्ज, तुम बाजार से उठा के भर्ती करो SHO, ये किसने कहा कि SHO जब वहां से आता है, किस कानून के तहत, आप रूल करो रिलैक्स, बाजार से उठा के SHO भर्ती करो FIR दर्ज कराओ। पाकिस्तान में मसला से है कि पाकिस्तान में एक सिचुएशन बनती जा रही है जिसमें कुछ ताकतें समझती हैं कि हमारे इख्तदार को, हमारे तसव्वुर को चैलेंज नहीं किया जा सकता, चलो बिस्मिल्लाह, कौन चैलेंज करता है, लेकिन वक्त भाई चैलेंज करता रहता है, ये सिमरिंग होती है, ये लावा होता है जो पकता रहता है, ये लोग बर्दाश्त करते रहते हैं, ये रेवोल्यूशनरी कहते हैं टिपिंग पॉइंट ऑफ रेवोल्यूशन, गधे के ऊपर आप एक लाठी रखते हैं, 10 रखते हैं, 50 रखते हैं, 200 रखते हैं, 1000 रखते हैं, वो नहीं बिलबिलाता, लेकिन 1001 रखते हैं तो उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देती है, वो खड़ा हो जाता है। और इसमें आप अगर ये समझते हैं कि इमरान खान के साथ आप किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज करके इस लीडरशिप को लेके कोई कुछ को रास्ता निकाल के इलेक्शन कर दे, ये भी भूल जाएं। जब आपका तर्ज अमल ये रहेगा तो इमरान खान को लोग पीछे छोड़ देंगे, लोग खुद खड़े हो जाया करते हैं, और वो बहुत खौफनाक चीज़ होती है, हम बताते हैं, पब्लिक जो होती है ना, जिस पब्लिक ऑन आर ओन, 10 अप्रैल को पब्लिक ऑन आर ओन उठी थी, इमरान खान तो कमरे में सो रहा था बनीगाला में, क्या 10 अप्रैल दोबारा नहीं आ सकता, वो 10 अप्रैल दोबारा बार बार आ सकता है, आप तो खड़े होकर थ्रेट करते हो लोगों को, आप कहते हो तो तुम्हें बहाना कर देंगे, आप कहते हो तुम्हें देख लेंगे, आप खड़े होकर जिस मुल्क का वजीर दाखिला खड़े होकर यह कहे कि मैं तुम्हें वो बलोचिस्तान की जेल में भेजूंगा, मत जेल में भेजूंगा, क्या करना चाहते हैं आप, फिरौन की औलाद हो, अब क्या है उस मुल्क के अंदर भाई। ठीक है हिलाली साहब, अरशद शरीफ का मामला हो, आजम सवाती का मामला, सारे तनाजुर में क्या ये अहम सवाल उठाया जा सकता है कि अदलिया रियासत की मनमानियों के खिलाफ तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए मरकजी किरदार अदा कर सकती है? नहीं, मैं फ्रेंकली मैं समझता हूँ आप कोई उम्मीद ना रखें। अच्छा, आप थोड़ा सा पढ़ लें इनकी इनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स कोई 9 लाख लिया है रिटायरमेंट पे? कोई आदमी रिटायर होके 9 लाख गाड़ी, ऑपरेटर, फोन, फॉर गॉड सेक, ये खुद अपना पे सेट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कोई और मेरे ख्याल में इदारा नहीं है दुनिया में जो अपने आप को सिलेक्ट करते, अपने आप को रिक्रूट, सिलेक्ट, प्रमोट, पोस्ट, उनके इमोल्यूमेंट खुद फिक्स करते हैं, रिटायर खुद फिक्स करते हैं, पनिश खुद कर सकते हैं, और कोई नहीं। इस किस्म की भाई फॉर गॉड सेक, अगर ये सब आप ले रहे हैं बेशक ले लें, मगर खुदा के लिए डिलीवर ऑन जस्टिस, यू आर डिलीवरिंग इनजस्टिस। कहनी आपने कभी सुना है एक प्राइम मिनिस्टर जो 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 ओहदा ले रहा है, एक दिन पहले या उसी दिन उसको मनी लॉन्ड्रिंग और TT के चार्जेस उसके खिलाफ केस की हियरिंग हो रही है नैब में और वो ओथ ले रहा है? ये तो एक और गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जाना चाहिए।
मैं आई एम टेलिंग यू, यू सी वो कहते हैं शेम, शेमलेस को शेम नहीं होता ना, शेमफुल हाउ कैन यू डू, यू होता ही नहीं है, यू कांट गिव अ शेम, जब शेम ही नहीं है तो आप शर्म कैसे दिलाएंगे उनको, मुझे बता दें. ये हालत है हमारी. आई एम सॉरी टू से दिस, इट्स सो ऑब्वियस. और मुल्क में लोग ये सोचते हैं, ये लोग खड़े हुए हैं इर्द गिर्द इधर, उनसे पूछे इंसाफ का क्या हालत है इस मुल्क में. बिल्कुल. और ये सब सुलेमान शहबाज की कुछ बात कर लें तो उनके वकील बता रहे हैं कि 11 दिसंबर को वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, उनको कोर्ट से रियायतें मिलना भी शुरू हो गई, तो आप समझते हैं कि इस रियायत से सलमान शहबाज को कोई फायदा हो सकता है? पहली बात यह कि आए सलमान शहबाज को देख लें, क्या वो MNA है, क्या वो MPA है, क्या वो किसी मुल्क में काउंसलर है पाकिस्तान का. वो एक पाकिस्तान के लाहौर शहर के ताजरों में से एक ताजर है, और जिस ताजर के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने 11 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसकी टीटीज ट्वीटीज जो हैं वो सारी की सारी सामने लोगों के सामने आ गई. अच्छा, अब होता क्या है कि एक केस आप रजिस्टर्ड होता है आपके खिलाफ, उस केस में 108 गवाह होते हैं, वो 68 पेजेस का जो चालान है उस चालान के अंदर 108 गवाहों में से एक भी गवाह पेश नहीं होता आपके खिलाफ अदालत के सामने. उस केस के अंदर एक दफा भी आपको फर्द जुर्म नहीं अदालत लगाती कि भाई जान आप मुजरिम हो, क्या मानते हो या नहीं मानते हो, नहीं लगता. बिल्कुल. उस केस के अंदर किसी तौर पर भी 164 का भी कोई बयान नहीं होता, 161 का बयान होता है पुलिस के सामने, विच इज नॉट एडमिसिबल एट द कोर्ट. ठीक. उस केस में एक प्रोसिक्यूटर होता है जो वो केस तैयार करके लेके जाता है. जिस दिन गवर्नमेंट बदलती है शहबाज शरीफ साहब की, उसको फोन किया जाता है कि आप कल घर नहीं आएंगे. अच्छा. उस केस में एक डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर रिजवान, हमारा दोस्त, बहुत प्यारा, मेरा बहुत अच्छा दोस्तों भी था, बरखुरदारों की तरह था, हमारे साथ काम किया उसने. उसने वो सारी मेहनत की थी, उसको तब्दील कर दिया जाता है, और फिर चूंकि चालान उसके उसने बनाया था, उसका पेशी बहुत जरूरी थी. दो दिन पहले अपनी मौत से मिला है मुझे. अच्छा. मुझे कहता है, मुझे फोन किया उन्होंने कि हम रिजवान साहब जानते हैं आपके बच्चे किन किन स्कूलों में पढ़ते हैं, अब मैं दुनिया में जहां मुझे ले जाओ मैं विटनेस देने को तैयार हूं, मैं मेरे पास उसके कॉल रिकॉर्ड मौजूद है. मतलब उसका उस वक्त फोन जैसे होता है केस बच्चे, और खौफ होता है, हार्ट अटैक हो जाता है, फौजा हो जाता है. जिस केस के अंदर एक बेचारा उनका मुलाजम 32-33 साल उनके साथ काम करता रहा, उनके जूते साफ करता रहा, उनके उनको चाय पिलाता रहा, वो मकसूद चपड़ासी जो है जिसके इसके अकाउंट में लाखों अरबों रुपया डॉलर था, उसको दुबई जाते हैं और दुबई जाके बेचारा हार्ट अटैक हो जाता है. तो आप मुझे ये बताइए कि जिस बंदे के केस के अंदर प्रोसिक्यूटर जो है फारग कर दिया जाए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो हार्ट अटैक से मर जाए, जो बंदा सबसे बड़ा मेन विटनेस था वो दुबई में फौत हो जाए, तो बिस्मिल्ला लाओ सलमान शहबाज को मुस्तकबाल करो, फूल बिछाओ, फूल फेंको, लाओ इस कौम के मुंह के ऊपर तमाचे के तौर पे लाओ उसको, लाओ. और क्या है इस कौम, रह क्या गया इस कौम के अंदर, तशरीफ लाइए पाकिस्तान में. मैं तो आज लिखा है के मफरूरों का जिस तरह बाइज्जत वापस लाया जा रहा है, मुझे लगता है अदालतों के बाहर वकील बैठे होंगे जैसे कस्टम क्लीयरेंस एजेंट बैठे होते हैं, मफरूर क्लीयरेंस एजेंट. अच्छा. बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट दिया आपने उरिया साहब. हिलाली साहब, क्या देख रहे हैं सुलेमान शहबाज के मामले में क्या चल रहा है कि इश्तिहारी मुल्जिम के सामने पाकिस्तान का कानून इतना बेबस नजर आ रहा है? देखिए, वो जो भी उसको होगा अदालत के सामने होगा, मगर आप मुझे ये बताएं, वो इसीलिए आ रहा है कि उसको बताया गया है, और शर्म देखिए, हाउ शेमलेस, उसको भी नहीं कान में बताया गया है, आ जाओ कोई बात नहीं तुम्हें नहीं पकड़ेंगे, एक दो दिन के बाद फिर बेल मिल जाएगा. दो दिन के बाद जो बेल हियरिंग होगी उसका भी फैसला उन्होंने बता दिया है, मगर वो पब्लिकली कह रहे हैं और ऊंचे ऊंचे आवाज से कह रहे आ रहा है. ये नवाज शरीफ के साथ भी यही होगा, 25 को अगर वो आएगा या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी को, बाय द वे ये तय हो गया है,
उसके साथ भी यही होगा। तो अगर आपको फैसला आने के पहले ही पता चलता है तो वो किस किस्म का जस्टिस है भाई? लोग कहते हैं कि ये टॉर्चर होता है, टॉर्चर तो होता है, सबको पता है, किसको नहीं पता है थानेदार क्या क्या करता है और क्या नहीं करता है। तो मैंने एक आदमी को पूछा, एक पढ़े लिखे आदमी को, मैंने कहा यार इसका क्या है? कहता है वो ह्यूमन राइट्स का एक बंदा हर पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। मैंने कहा उसको मार मार के उसका बुनकस निकाल देंगे वो, या उसको खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। यू नो यू हैव नो जस्टिस सिस्टम, है ही नहीं, इनजस्टिस का एक सिस्टम है। अब कितना इनजस्टिस आपके साथ होता है वो तोले, ये नहीं है कि जस्टिस, आउट ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन। एक और अहम मामला ये है कि वज़ीर इंसाफ डार की बुध और जुमेरात को सदर मुमलिकत से दो मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों में क्या कुछ हुआ है और मईशत की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये मुलाकातें कितनी ज़रूरी हो चुकी हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने 24 घंटों में सदर मुमलिकत से दो बार मुलाकात की है, जिससे हुकूमत और अपोजिशन के माबैन बातचीत के अमल में तेज़ी का तासुर मिला है और साथ ही ये उम्मीद भी जागी है कि सियासी मामलात की समत दुरुस्त होने से मुल्क में इक्तिसादी इस्तेहकाम की राह भी हमवार हो सकेगी। उलिया साहब, ये जो मुलाकातें हो रही हैं, क्या इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात जो हैं उस पर जो जमूद था वो अब टूट रहा है और बर्फ़ पिघल रही है? देखें, लाली साहब ने कल एक प्रोग्राम में बकायदा ये खबर लीक आउट भी कर दी हुई है कि ये तकरीबन मुआहदा हो चुका हुआ है। अच्छा, और जाने ये इस बारे में। और उन्होंने कहा काफ़ी उस पर ले दो, पूरे पाकिस्तान में हो रही है कि लाली साहब जो हैं ये इनसाइडर्स स्टोरीज लेके आए हैं। अब मसला सारा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस क्राइसिस से गुजर रहा है ना जी, उस क्राइसिस के अंदर जो रिफ्ट पाकिस्तान के अंदर बन चुकी हुई है ये बड़ी खौफनाक है। देखिए, चार दिन पहले हमारे यहाँ खबरें कई हैं, लेकिन इस वक्त आपकी कंडीशन, ये इसहाक़ डार साहब जो बैठे हुए हैं ना, जिनको वो लेके आए थे खास तौर पे विजर्ड के तौर पे, बहुत बड़ा फाइनेंशियल विजर्ड जो थे, इन्होंने मईशत लगा दी इस हालत में। अब उन्होंने एक खौफ जो है क्रिएट किया है सबके लिए। अच्छा, कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। इमरान खान को भी इसी बात में ब्लैकमेल की सूरत हाल आप देखें। उस दिन हम इंटरव्यू करने जिस वक्त मैं गया उनसे, खान साहब से, तो उससे ऑफ तक कफ जिसे कहते हैं बात हो रही थी, तो कहता सबसे बड़ा मसला तो यह है कि हमने डिफॉल्ट से कैसे बचना है। ठीक है, तो मसला सारा यह है कि इमरान खान साहब को तकरीबन कहा जा रहा है कि आप हम बैठ जाएं और एक इंटरिम गवर्नमेंट जो आ जाए। अच्छा। ये मैं समझता हूँ खान साहब के लिए ट्रैप है, बड़ा ओपनली कह रहा हूँ। इंटरिम गवर्नमेंट में कौन होंगे? मेरे जैसे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, बिल्कुल, जिनको पता ही कुछ नहीं है, या रिटायर्ड जर्नल जो पता नहीं कहाँ से सोचते होंगे कि यार ये लोग कभी खत्म होते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए, या वो 20-25 मईशतदान जो इधर उधर घूमते फिरते हैं, जो वो सिफारिशें कराते हैं यार अब मुझे वजीर लगा देना, मुझे ये लगा देना, मुझे वो लगा, ये आ जाएंगे। 10,000 दफा कहा है कि पाकिस्तान निकल ही उस वक्त सकता है कि पाकिस्तान इस वक्त बुरी हालत में है, कि कौम रूखी सूखी खाने के लिए तैयार हो जाए किसी पॉपुलर लीडर की वजह से। वो पॉपुलर लीडर जब आता है तो कौम कहते हैं कि भाई लीडर आ गया है, ये कहीं ना कहीं हमें किसी ने तोते ने कहा, भले नवाज शरीफ आ जाए भाई, आए। अच्छा। तो सही, जो भी आए, भले मैं कहता हूँ सरदारी आ जाए, लेकिन लोग कौम ने कहा होगा ना हमने इसको मुंतखब किया तो कुछ दिन बर्दाश्त कर लेगी, गैस की कीमतें बर्दाश्त। लेकिन ये जो उन्होंने प्लान सा बना लिया हुआ है अब इस किस्म का, इस पर इमरान खान साहब फिलहाल तो नहीं मान पा रहे। मतलब आज मैंने ट्वीट भी किया इसके ऊपर कि जो सेकेंड टाइम हुआ मुलाकात, उसमें अरफ अरवी साहब ने खान साहब कतर से पूछा था जो केसेस चल रहे हैं उनका क्या होगा, तो उन्होंने कहा जो चल चुके हैं, ये अब तक एग्री हुआ था कि जो चल चुके हैं उनके बारे में तो हम कहते हैं उसको कहीं टोन डाउन करके मजीद केसेस नहीं चलेंगे। अच्छा। और सूरत हाल में असल मसला ये है कि इस दौरान वो लेवल प्लेइंग फील्ड में नवाज शरीफ साहब को लाना चाहते हैं, क्योंकि नून लीग की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि नवाज शरीफ को वोट मिलता है। बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसलिए कि हमने इलेक्शन करवाए हुए उन दिनों में, इमरान खान के जमाने में तो हमने कोई इलेक्शन नहीं करवाया, लेकिन नून लीग के जमाने में हमने इलेक्शन करवाए, और हमें पता है जिस बंदे की पैदाइश इस बात पे हो कि आईजीआई बनाई जा रही, और आप देखें आईजीआई देखें एस्टेब्लिशमेंट अपने को बड़ी फने खा समझती है, आईजीआई बनाई थी और नवाज शरीफ, सारी पार्टियां नवाज शरीफ के साथ इकट्ठी कर दी थी, बीपी के वोट थे 88,
बिल्कुल, इनके वोट थे 57, ठीक है। परवेज मुशरफ पॉप, दुनिया जहान के इकट्ठा किया, काफली के इकट्ठी कर, ये कर, केसेस बना, इसके ऊपर केस, उसके ऊपर केस, सारों को कर, 202 के 203 एमपी एमएनए नून लीग के इकट्ठे करके जहां ले आए। उसके बाद हालत ये थी एस्टेब्लिशमेंट की कि अपने इलेक्शन में इनकी मेजोरिटी नहीं थी। अगर 12 सीटें पैट्रियट होके लोटे होके पीपल पार्टी के ना आते वो भी पूरा नहीं हो सकता था, बराबर हो गया था। एक उन्होंने पूरे अमेरिका को नाराज करके सिपाही साहबा का आजम तारक को जेल से निकाल के वोट लिया था, जफरुल्लाह जमाली की गवर्नमेंट बनी थी। ये मैं बात तय कर रहा हूं 2007 की, जब एस्टेब्लिशमेंट समझती थी मूंछों को ता देके हम जिसको चाहेंगे जिता देंगे, जिसको चाहेंगे हरा देंगे। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है इनकी बहुत बड़ी। यही वजह है कि 17 सीटों में भी हार गए और 7 में भी हार गए। कौन पता नहीं इनको इनका रिपोर्टें बना के देता है क्या चीज। तो एक बात तय है, ये चल रहा है। हलाली साहब की भी खबर बड़ी मजेदार है, कल से उनकी चल रही है। मैं भी पीछे सोच रहा था कि बाहर बात है, अच्छा खबर तो है, वरना सागडार जो है इतना कैमरों में कैसे आता। अब जरा सा मतलब है कि नुकसानदेह किसके लिए है। ये नुकसानदेह पूरी कौम के लिए है, इस तरह के दो नंबर किस्म के लोग जो है, जिनको जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं है, जिन्होंने आगे से ये कहना है आज यार मेरे घर में थोड़ा सा मरम। मैं अक्सर देखा हमारी जब इंटरिम गवर्नमेंट आती थी ना, पता है यार मेरे घर में फर्नीचर तो बदल दो, अच्छा यार वहां रंग रोगन तो करा दो, यार मेरी गाड़ी तो नई वाली निकाल दो, यार वो ऐसा करो कि मुझे स्किन डिजीज है, एक समरी बनाओ, मैं क्रॉमवेल से स्किन तो ठीक करवा के आ जाओ। ये काम होते थे इनके इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा, जाती मफादात के लिए मैनिपुलेट किया जाता था। हिलाली साहब, ये जो मुलाकातें चल रही हैं, क्या चल रहा है अंदरूनी कहानी, कुछ हमें भी बता दें। देखिए, मुझे ये पता चला 4-5 दिन पहले, किसी ने आके मुझे कहा, और वो आदमी जो इतना इम्पेकेबल सोर्स है कि हाँ। मैं ना उसको कभी कह ही नहीं सकता, अच्छा। मैं सस्पेक्ट ही नहीं कह सकता, मैं उसको 20-30 साल से जानता हूँ, आउट ऑफ द क्वेश्चन के उसका इंफॉर्मेशन रिलायबल ना हो। तो मैंने फिर सोचा कि यार इतना फर्म है। अच्छा, फिर 3 दिन बाद जब जो उस वक्त मैंने कहा था रफली द सेम थिंग वो नहीं हुआ, वो खुद मुझे फोन करके कहा कि मैं आके तुम्हें बताना चाहता हूं। अच्छा। मैंने कहा यार ये तुमने तो कहा था कि ये अनाउंस हो जाएगा, अग्रीमेंट हो गई है इस हद तक कि उनको फिर अग्रीमेंट के बाद बैठ के डिस्कस करना होगा किस किस्म के ऑस्टेरिटी मेजर्स लें। मिसाल के तौर पे फी गाड़ी 30 लीटर है, तो इसलिए तो कहने लगा अब तुम्हें पता है क्यों रुक गया है। मैंने कहा क्यों रुक गया, क्यों? कहने लगे जी बात असल है कि आसिफ जरदारी साहब और मौलाना साहब जो थे, उन्होंने कहा कि हम ये केसेस तो सब बंद तो नहीं हुए हैं, कुछ अभी तक खुले हैं, ठीक है, जरदारी साहब ने कहा, अच्छा। नवाज शरीफ को और बकौल उनके, और मौलाना साहब जो थे वो कह रहे थे कि शायद उनका दामाद है अहमद अली मोहम्मद अली को, समधी, समधी, वो शायद गवर्नर बन समझी, हाँ। वो शायद बन जाए गवर्नर केपी का वो कुछ, और फिर अगर बिलावल को थोड़ी सी और ट्रेनिंग वेनिंग मिल जाए। इन अदर वर्ड्स, ये खींचना चाहते हैं, सब लोग खींचना चाहते हैं, जाहिर है क्यों गिव अप, इसलिए नहीं हुआ। मैंने कहा गुड लॉर्ड, मैंने कहा और डिफॉल्ट का जो चक्कर है वो तो दार साहब ने आके कह दिया, सवाल ही नहीं पैदा होता है डिफॉल्ट का। खुद कह रहे 13 बिलियन हमें अगले साल देना होगा, वो भी आ जाएंगे। तो अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है तो आप मुझे बताएं, वो जो दूसरे मुल्क कह रहे हैं मसलन सऊदी अरेबिया और चीन के, बस पैसे तुम्हारे से बस हो गए हैं, हमने दे दिए, अब अगर तुम चाहते हो आईएमएफ की मॉनिटरिंग हो, आईएमएफ के पास जब आप जाएं तो वो कहते हैं हम मॉनिटर, अब प्लान को हम खत्म करेंगे अनलेस आप अपने वादा पूरा करें। ऐसे ही वादा मतलब वही 6,000 बिलियन रुपया, 600 बिलियन जीएसटी और टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11% करें और बिजली के प्राइस और ये और वो। तो देखिए बात असल ये हो रहा है, हम समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल यूनिटी, दूसरी बात है सब लोग कहते हैं, वही कहते हैं ये जो बाहर के दोस्त हैं हमारे, वो कहते हैं अगर तुम्हारी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो ही नहीं सकती, इसका भी मिलाप। तो ये जो प्रेशर इनके दरमियान नहीं है, ये प्रेशर जो आ रहा है बाहर से, इसलिए कि अगर आप कोई यूनिटी ना दिखाएं आपको और पैसे नहीं मिलेंगे, आईएमएफ भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। आप समझ सकती हैं ये जो मिलाप हो रहा है, इट इज नॉट बिकॉज ये समझते हैं जरूरी है, ये मिलाप इसलिए हुआ है कि अगर मिलाप के बगैर आप और कर्जा ले नहीं सकते,
आई एम सॉरी, इट इज ये तो औरिया साहब, ये इसका क्या इसका व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? इनको तो परवाह ही नहीं है मुल्क का। औरिया साहब, हिलाली साहब कह रहे हैं कि खींचना चाह रहा है हर कोई इस वक्त मामला, तो ये सियासी खींचातानी में आवाम का क्या बनेगा? नहीं, खींचने की बात नहीं है, मसला ये है कि नून लीग है इस वक्त मुकम्मल तौर पर डिवेस्टेटेड। उनको पता चल गया है कि जो उनके साथ सरदारी ने या बाकी लोगों ने करना था वो कर दिया। देखें, आप देखें ना, आप खुद सोचें, बिलावल है वजीर खारजा, कहा बिलावल को किसी ने गाली दी कि तुम ये गलत कर रहे हो? जरदारी को किसी ने कहा? आराम से बैठे हुए, उनको पता है अपना सिंध जी हुए, मेरा सोना सोना सिंध जो भी है, वो नारा वारा लगाएंगे उसमें, उसी के अंदर वोट ले लेंगे। लेकिन वहाँ भी हालात बदल सकते हैं, अच्छा कुछ भी हो सकता है किसी वक्त भी। दूसरा आप देख लें, मौलाना फजल रहमान का मसला यह है कि मौलाना फजल रहमान को यह पता है कि अगले KPK में तो उसके सफाया फिर जाना, इसलिए वो चाहता है किसी ने किस तरह आओगे उसको प्रोलोंग किस तरह कर लिया जाए। इमरान खान का मसला इस वक्त यह है कि इमरान खान समझता है कि मैं दो कम अज़ कम असम्बलियाँ तोड़ दूँ, ठीक, और उस दो असम्बलियाँ तोड़ने के बाद कम अज़ कम 5 साल के लिए गवर्नमेंट आएगी तो फिर देखी जाएगी। ये वो कन्फ्यूजन स्टेट है जो जिस पर राली साहब ने कहा है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाती है। आप इस वक्त ज़ीरो पे हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, यानी 100% रिस्क है कि अगर एक आदमी यहाँ 1 लाख रुपए लगाता है तो 1 लाख ही उसका डूब जाएगा पाकिस्तान के अंदर, इसलिए रिस्क पे है। तो वो मोहम्मद सलमान का दौरा जो है उसकी अब तो उसकी डिटेल्स भी आने शुरू हो गई कि बुनियादी तौर पर कोई शख्स ये इस वक्त नहीं चाहता कि पाकिस्तान की इस इंस्टेबिलिटी के अंदर आके वो कोई इन्वेस्टमेंट करे। वो चाहते हैं कोई एक नई गवर्नमेंट आए, उसके साथ हम गुडविल भी बनाएंगे, उसके साथ हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, हमारे लिए भी अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा, मरात भी बेहतर करेंगे। ये होता है अमरीका, देखकर हलाली साहब एम्बेसडर रहे, ये भेजते होंगे वहाँ से कि जी इटली के अंदर या ईरान के अंदर या बाकी, हम इनका क्या एटीट्यूड है इस वक्त, पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, यहाँ पर लोग डिसाइड करते होंगे भाई अब इस वक्त फेवरेबल सूरत हाल है, अब वहाँ पर जाओ। ये रूटीन का हर एम्बेसडर भेजता है कि भाई इस तरह। अब पाकिस्तान में अमरीकी एम्बेसडर नहीं भेजता होगा कि पब्लिक की वेव किस तरफ है, पब्लिक सोचती क्या है, किसके ऊपर इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर है, किसके साथ ताल्लुकात बनाना कैसा बेहतर है। इसी तरह सऊदी एम्बेसडर भी, एम्बेसी अब बहुत तेज़ हो गई है। आपको शायद याद नहीं, 1977 में जब भुट्टो के खिलाफ मूवमेंट चली थी, रियाजुल खतीब एक होते थे, एम्बेसडर होते थे, वो ही वाज वर्किंग लाइक ए शटल कॉक, कभी इससे मिलता था, कभी इससे मिलता था, कभी इससे मिलता था। हालांकि उस वक्त सऊदी इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं था पाकिस्तान के अंदर, ना वो तेल वेल की सूरत था। 77 क्या है, 73 में कहीं ये राइज हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो उसके बावजूद भी वो उसकी अहमियत यहाँ बनी हुई थी। तो इस वक्त तो सारे जो है वेट एंड सी पे खड़े हैं, ठीक है। IMF ने कभी किसी भी रिव्यू, 9th रिव्यू है ये, 9th रिव्यू, 9 महीने से रिव्यू चल रहा है भाई, अल्लाह का नाम लो, वो उनको समझ ही नहीं आ रही क्या। और अब तो 20 दिसंबर से पहले इन्होंने कोई ना कोई फैसला करना है, वरना 20 के बाद हो जाएंगी क्रिसमस की छुट्टियां, क्रिसमस की छुट्टियां में गोरे को कॉल बाहर निकालेगा, उसमें मजीद डिले पे चला जाएगा काम। हिलाली साहब को एक कॉमेंट कर दीजिए, फिर उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। हुकूमत और अपोजिशन के माबेन चार्टर ऑफ इकोनॉमी के कितने इम्कान हैं आपकी नज़र में? देखिए, ये शर्त है, अगर जब ये अग्रीमेंट अनाउंस होगा, जब डिसॉल्व होगा और ऑल असेंबलीज डिसॉल्व होंगे और जब इलेक्शन डेट फिक्स हो जाएगा, उसके बाद ये बैठ के इंटरिम गवर्नमेंट को डायरेक्शन देंगे कि ये जो भी जितने भी महीने हैं आपने इस डायरेक्शन में काम करना है, और वो फिर मिलके करेंगे। और आप जो मैं तो कह रहा हूं कि ये इस वक्त जो हमारे पास 0.700 हमारे पास इसलिए ओनली $700 मिलियन रह गए हैं, 6 बिलियन जो 6.7 जो है वो 6 जो है वो हमारे नहीं है, वो उनके हैं, वो कॉन्फिडेंस के लिए रखा हुआ है, हम छू नहीं सकते उसे, इट हैज ऑलमोस्ट नेवर बीन सो लो। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये वेयर आर वी हेडेड अगर इस किस्म का ये हो रहा है, और इनके दरमियान मिलाप कैसे होगा भाई? इमरान खान और इन लोगों का कैसे मिलाप होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है मेरे ख्याल में। और ये औरिया साहब, शायद अब मैं सोच रहा हूँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं, एक दफे इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए तो उनको, वो कहते हैं ना, दे प्लेट बाई ईयर जैसे कंडीशंस अराइज। अगर मिसाल के तौर पर उनको कहा गया कि 1 साल और खींच लो, वो खुद ही एक रेजोल्यूशन पास करके सुप्रीम कोर्ट को जाके वो अमेंड हो जाएगा। भाई क्या पता क्या होगा,
पैसे आपके पास रैशनिंग इस मुल्क में सोच सकते हैं रैशनिंग 30 liters पर वीक आप जाके सीखे श्रीलंका से क्या हुआ है उधर। यस आज ही बजट आया उनका आज। बिल्कुल बहुत अहम सवाल है कि मिलाप कैसे होगा, होगा भी कि नहीं। मईशत की जो सूरत हाल है उसमें तमाम ही सियासतदानों को सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है। बरतानवी अखबार डेली मेल ने इमदादी फंड्स की चोरी से मुतालिक एक आर्टिकल जो लिखा था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, उस पर अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है। इस पर डिस्कशन करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डेली मेल ने इल्ज़ामात पर मुबनी आर्टिकल शाया करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अब मुआफ़ी मांग ली है। दूसरी जानब तोशाखाना केस एक बार फिर उभर कर सामने आ गया है। एक ऑडियो टेप मंजर आम पर आई है जिसमें मुबैना तौर पर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी घड़ियों की फरोख्त के सिलसिले में बात कर रहे हैं। औरिया साहब, बरतानवी अखबार डेली मेल ने जलजला जदगान के इमदादी फंड्स की चोरी से मुतालिक एक आर्टिकल शाया किया था जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुआफ़ी मांग लिए। तो सभी जानते हैं कि किसी अशाती इदारे के लिए सबसे ज़्यादा सुबकी वाला काम अपनी रिपोर्ट के गलत होने को तस्लीम करना है, इसके बावजूद मुआफ़ी मांगी गई है, तो कैसे देख रहे हैं आप इस पेशरफ़्त? देखिए पहली बात तो ये है कि ये मेरे सामने मेल ऑनलाइन ये सारा उसका पड़ा हुआ है। उन्होंने बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगी। अच्छा, सिर्फ एक इशू के ऊपर माफ़ी मांगी है। आप देखें, उन्होंने कहा है कि द पोस्टर बॉय ऑफ ब्रिटिश ओवरसीज, पोस्टर बॉय कहते हैं शबाशिक, स्टील फंड्स मेंट फॉर द अर्थक्वेक विक्टिम पब्लिश इन 14 वर अप और आर रिपोर्टेड ऑन एन इन्वेस्टिगेशन बाय पाकिस्तान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इनटू शबाज शरीफ एंड सजेस्टेड दैट द मनी अंडर इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडेड इंक्लूडेड ए नॉट सब्सटेंशियबल सम ऑफ ब्रिटिश। उन्होंने कहा जी कि नैब ने केस बनाया था कि ये जो उन्होंने उसका फंड डीएफआईडी का फंड शराब संगान पर खर्च किया। अब नैब ही चूके ब्यूरोक्रेटी अक्यूज बाय द, उन्होंने कहा कि उन्होंने उसको उसके केस प्रोसेस ही नहीं किया, जब नैब ने ही डिक्लेयर कर दिया तो हम जनाब उसके चूंकि नैब की रिपोर्ट के ऊपर बेस करता था नैब, तो हम उसके माफी मांगते हैं। इतने हिस्से की ना मनी लॉन्ड्रिंग की माफी मांगी गई है ना बाकी टीटीज की माफी मांगी गई है। सर वो साबित नहीं, अली सलमान साबित नहीं हुआ, अली सलमान नहीं साबित की बात नहीं है। 13 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट जमा करानी थी, इन्होंने 13 तारीख को रिपोर्ट जमा नहीं कराई, वहां पर जमा कर अब तक नहीं जमा कराई हुई थी। ठीक है, केस किसने किया हुआ है? शबाशी डेली मेल ने किया ना। शबाशी ने कितना उनसे जाना लिया आपसे? कोर्ट कहती है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुई है। उन्होंने कहा है ये हम इसकी वजह से हम सिर्फ अपने उसकी जो वेबसाइट से हम हटा रहे हैं सिर्फ इसकी वजह से, और कुछ नहीं किया उन्होंने। और उसके ऊपर डेविड रोज ने कहा है, ये उसका फिक्र पड़े थे डेविड रोज के, वो कहता है कि हमने कतअन बाकी किसी चीज के ऊपर हमने अगर वो अगर उसने उसका केस जो खत्म हो गया होता तो कभी वो इस तरह की बात करता। डेविड रोज ने कहा है हमने सिर्फ एक इशू के कि डीएफआईडी का जो फंड है वो यूटिलाइज नहीं हुआ, बाकी हमने किसी चीज के बारे में हमने माफी मांगी है। देखें द न्यूज़पेपर हैज नॉट पेड मिस्टर शरीफ और मिस्टर यूसुफ ईदर डैमेजेस एज अ कॉज एंड इट हैज नॉट वेव्ड द कॉस्ट प्रॉब्लम। शरीफ क्रेडिबिलिटी इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी वो क्यों दांव पे क्यों लगा? द यूसुफ एंड सेटल देयर क्लेम्स देयर केस इज देयरफॉर ओवर द नेम। उसके बाद ये इसके उसके बाद उसने कहा पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन बात है कि उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया पे बात है, देयर सीम्स टू बी सम कंफ्यूजन इन द पाकिस्तानी मीडिया अबाउट द एंड रीच यस्टरडे टू द डेफेमेशन केसेस ब्रॉड बाई सियाम शहबाज एंड अली इमरान यूसुफ अगेंस्ट द मे। उसके बाद उसने डिटेल्स दी हैं अपने आर्टिकल के अंदर। उसने कहा है कि ना अली इमरान के बारे में खत्म हुआ केस वो अपनी जगह, ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया उन्होंने कि भाईजान जो जो भी आया इसको मिट्टी पाओ। तो सर वो कोर्ट में अपने आप को क्यों बेइज्जत करेंगे? कोर्ट में क्यों अपने आप को बेइज्जत करेंगे? क्योंकि केस तो चल रहा है कोर्ट के अंदर। नहीं, केस वापस ले रही है ना। देखना जो केस करता है वही वापस लेता है ना। डेली मेल ने वापस लेना। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मेरी बिस्ती हुई है, मुझे जलील किया गया है, मैं जुर्माना लूंगा। और ये अगर केस साबित होता अगर डेली मेल के ऊपर तो इसको तो लाखों पाउंड जुर्माना मिलना था। ये इतने बेवकूफ हैं कि लाखों पाउंड जुर्माना छोड़ देंगे। डेली मेल ने वापस देना था, शहबाज शरीफ ने वापस देना था। तो सर वो माफी मांग के अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों दांव पे लगाएंगे? नहीं, किसकी क्रेडिबिलिटी? कोई क्रेडिबिलिटी? उन्होंने कहा एक हमें एक इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी नैब ने, हमने वो इंफॉर्मेशन लिखी, नैब पीछे हट गया, हम क्या करें? हम माफी मांगते हैं, हमने गलत हमने नैब पे भरोसा किया।
तो गाली तो फिर पाकिस्तान के नैब को पड़ी है ना, और तो किसी को नहीं पड़ी। पढ़े ना लाइन तो पढ़े, देखे ना, मैं पूरा आपको पढ़ के सुनाया है। जी जी, उनके पास भी एक पूरी आर्टिकल था। देखिए, जो आपने इन्होंने कहा है बिल्कुल सही है, जो ओरिया साहब ने, मैं आपको बताता हूं कि क्या इसमें कौन कौन इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही इंटरेस्टेड है कि इस किस्म का कॉन्ट्रडिक्शन आए। क्यों? इसलिए उनके टैक्स पेयर के पैसे ऐसा है, ये चीज है, और वो अपने टैक्स पेयर को कहना चाहते हैं इस तरीके से कि नहीं नहीं, हमने एक झूठे आदमी को, झूठा चोर को नहीं दिया है पैसे, हम सोच समझ के दिए हैं, और ये गलत रिपोर्ट है। वो पैसे मिस ये नहीं हुए हैं, मिस डायरेक्ट नहीं हुए हैं, क्या कहते हैं, मिस वो जो भी होता है। अब सोचिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि वो क्लियर हो। ये इस तरीके से बताते हैं कि नहीं, देयर वाज नो केयरलेसनेस। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, आप कह रहे हैं मीडिया इधर गलत, बिल्कुल सही कहा इन्होंने औरिया साहब से। क्यों भाई, मीडिया ये क्यों नहीं रिपोर्ट करते हैं जो उन्होंने अभी पढ़ के सुना है? आपको पता है मीडिया का बजट क्या है इस साल? 2 बिलियन रुपया, परसों पास हुआ है, आज अनाउंस हुआ है, 2 अरब। सोचिए तो सही, टाइमिंग भी देखें, 2 अरब रुपया अनाउंस हुआ है। किसने किया दिया है इनको? फेडरल गवर्नमेंट। 2 अरब एट अ टाइम जब हम मर रहे हैं इधर, 2 अरब मीडिया एक्सपेंडिचर। देखो, आई मीन जस्ट पुट 2 एंड 2 टुगेदर। अब और क्या कहें? और बाकी ये जो अगेन उन्होंने बिल्कुल पढ़ के सुना दिया, वो कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी का तो हमने जो चार्ज लिखा है उसको हम नहीं विड्रॉ कर रहे हैं, नथिंग टू डू विद दैट। वो है, उसकी जवाब 13 तारीख को मिलेगा इनको। चलिए शर्त लगा देते हैं, आप कहते हैं मिलेगा इनको। ये आप देख रहे हैं, इट्स अ कॉन्ट्रिक, ये कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर्स हैं, ये हैं जिसके लिए हम मशहूर हैं। देखें, असल मसला ये है कि राजस्थान जब बात की है ना, DFID कहता है कि हमारा बहुत विजिलेंट कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर, और जहां हम पैसा देते हैं हम एक एक पैनी का हिसाब लेते हैं। ठीक है। अच्छा, हुआ ये था कि इन्होंने जो ट्रांजैक्शंस हुई थी उसके अकाउंट में पैसे गए थे, ये उसी सालों में गए थे जब फ्लड का पैसा आया था, तो इन्होंने नैब ने कहा कि ये वही पैसा है। ठीक, और उन्होंने क्रॉलरी बिल्ड की थी। अब मैं बर्तानिया में लोग सवाल करने लग गए थे, हमारा पैसा तुम दे रहे हो चोरों के हाथ में, तो बर्तानवी गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड थी और यहां भी इन्वेस्टेड थे कि ये हिस्सा निकाल दो, बाकी मनी लॉन्ड्रिंग। अली सलमान का केस, कोई अली सलमान ने माफी क्यों नहीं मांगी? केस तो उसका भी है। मतलब या तो सिर्फ शबाशी से सिर्फ इतने हिस्से की माफी मांगी है उन्होंने कि नैब ने हमें बताया था ये पैसा वहां से यहां से आया है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग, और 13 तारीख को पता चल जाएगा, 13 तारीख को। और अगर 13 तारीख को ना पता चला तो 13 तारीख को आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट का डिसीजन आएगा, उसके डिसीजन के बगैर केस विड्रॉ नहीं होता। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मजीद अहम बात के साथ। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।